देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि स्कूल में क्या होता है तो आप स्कूल आइए, तब आप वहाँ देखो कि बच्चे सुबह योगा करते हैं, पीटी करते हैं, पढ़ाई होती है, लंच होता है, लंच के बाद फिर खाने के बाद बच्चों को एक क्लास डांस की होती है, एक क्लास गेम्स की होती है, और बच्चे पढ़ते हैं सो अलग। और ये बच्चे आप इनका भविष्य बर्बाद कर रही हो। आप सोचती हो कि ये आपका बच्चा ये कहेगा कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो आप लाड़ में प्यार में इन्हें घर पे रख लोगे, लेकिन वो लाड़ और प्यार इनके लिए जहर है, इनका जीवन बर्बाद कर रहा है। कहता रो इनके हमारे घर के खाना खा लेगा। नहीं, आज के बाद से हमको आपके घर पे यहाँ ना आना पड़े, हमारे और बच्चों का बहुत नुकसान होता है जो बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं। निहार जी, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, मैम आपकी क्लास में जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनका नाम बता दीजिए। तो इन बच्चों के घर पे हम जा रहे हैं, पूरे गांव में ही अभी जा रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को लेते हुए भी आए और उनके पेरेंट्स से बात करके भी आए। हाँ, और ये नया आए कितने दिनों से नहीं आ रहे? ये क्लास फर्स्ट है, इसमें सिर्फ एक बच्चा नहीं आया है। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये बताओ आपकी क्लास में आज कौन नहीं आया है? परी? परी नहीं आई ना, केवल परी नहीं आई है। ठीक है, बैठो, सिट डाउन। नेहा और सोनम, आप लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? और सोनम तो कई दिन से नहीं आ रही, कम से कम 15 दिन हुए जा रहे। आप इधर देखो, इधर तुम उठाड़ी हो भाई, खड़े हो जा, इधर खड़ी हो। एक मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, इधर खड़े हो, इधर आओ सामने। आपकी ये छोटी वाली बच्ची सेकंड क्लास में है, इसको कम से कम आप 15-20 दिन हो गए होंगे स्कूल नहीं जा रही। सीधी तो मोबाइल का मुंह करो, एक महीना हो गया होगा। अच्छा, करे कि ड्रेस हमें दे तब जाएंगे हम भी। हम तो ड्रेस, इसके पैसे आ चुके हैं खाते में, तो आपको ड्रेस लानी चाहिए। कभी नहीं आते, अब पैसे नहीं, बस पैसा मिल गए तो नेहा का आधार कार्ड बन पैसा, तो कोई बात नहीं है। ये नहीं जाती है, लेकिन हमने तो मना नहीं किया होगा कि बिना ड्रेस के स्कूल ना आए।
है क्यों सोनम, जब तक ड्रेस नहीं बन पा रही है बिना ड्रेस के स्कूल रोज आओ, ठीक है। अब दोबारा ऐसा ना हो कि मुझे आपके घर पे आना पड़े, इससे और बच्चे जो स्कूल में बैठे हैं उनका भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ठीक है। और एक बच्ची आपकी कहाँ गई हो आरती? देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि स्कूल में क्या होता है और क्या नहीं होता है तो आप स्कूल आइए, जब आपको टाइम मिलता है काम करके स्कूल में आओ, तब आप वहाँ देखो कि बच्चे सुबह योगा करते हैं, पीटी करते हैं, पढ़ाई होती है, लंच होता है, लंच के बाद फिर खाने के बाद बच्चों को एक क्लास डांस की होती है, एक क्लास गेम्स की होती है, और बच्चे पढ़ते हैं सो अलग। और ये बच्चे आप इनका भविष्य बर्बाद कर रही हो, आप सोचती हो कि ये आपका बच्चा ये कहेगा कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो आप लाड़ में प्यार में इन्हें घर पे रख लोगे, लेकिन वो लाड़ और प्यार इनके लिए जहर है, इनका जीवन बर्बाद कर रहा है। कहता रोज के हमारे घर के खाना खा लीजा, नहीं आज के बाद से हमको आपके घर पे यहाँ ना आना पड़े, हमारे और बच्चों का बहुत नुकसान होता है जो बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं। बिहार के, ठीक है, हमारे के याद है। चलो अब आप लोग अपना बैग लो फटाफट और ऐसे के ऐसे ही जाओ, ड्रेस व्रेस अपना कल पहनना, आज ऐसे ही जाओ, बहुत लेट हो गया है। जा जा, चलिए कट कर दो।